हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा में किए थे अपने क्वेश्चन नंबर 150 तक टाइप 1 के। आज हम 150 से आगे के कुछ इंटरेस्टिंग और नए क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन अब बीच में हमने स्किप किए हैं धीरे धीरे अब उनकी बारी है, ठीक है। और जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, उस पर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए शूट करूंगा, ताकि इजी इजी क्वेश्चन आपके एक साइड हो जाएं और टफेस्ट क्वेश्चन आपके एक साइड हो जाएं। इस तरीके से पढ़ने में आपको बहुत सुविधा आसानी महसूस होगी, ठीक है। आप अपने नोट्स को प्रॉपर वे में कंप्लीट करते रहें, ठीक है, तो बहुत फायदा आपको मिला, क्योंकि इजी क्वेश्चन की आपकी अलग लिस्ट बन जाएगी और टफ क्वेश्चन की आपकी अलग लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये तरीका अच्छा है, आपको भी इसे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 150 से आगे 151, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितना अच्छा आप सुनते हैं उतना ही अच्छा आप समझते हैं। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। तो बस आपको सुनना है, उसके बाद समझ में तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, लिखना है फिर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले गिवन है a + b = 6x, ठीक है, और वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराने के लिए बोला गया है x / a - 3x + x / b - 3x। ये वैल्यू आपसे वो निकलवाना चाहता है, ठीक है। हाँ, यही क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, बेसिक मेथड क्या हो सकता है, फिर इसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि आप शॉर्टली कैसे करें। देखो, एक बात का आप ध्यान दो, सबसे पहले जो गिवन है इसी को उठाओ और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऊपर x है ना, ऊपर से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो b माइनस क्या बनेगा, 3x, प्लस इस a माइनस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 3x, ठीक है। नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस 3x और b माइनस 3x ये बनेगा। ऊपर देखो ध्यान से, बाहर x है, यहाँ a प्लस बी को एक साइड लिख लो, एक साथ लिख लो, ठीक है। -3x - 3x, दिस विल बी -6x अपॉन, ये दोनों ब्रैकेट सेम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बार ध्यान दो, ऊपर a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर ध्यान देना, a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 6x। तो यहाँ पर जब आप 6x रखोगे, a प्लस बी की जगह जब आप क्या रखोगे, 6x, तो ये 6x हुआ, माइनस जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो ऊपर पूरा 0 बच गया, दैट मींस द आंसर विल बी क्या होगा, 0 होगा ना आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है। अब इसका आप शॉर्ट तरीका देखिए, यहाँ पर इसका हम शॉर्ट लिस्ट को कैसे कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना, आपको एक इक्वेशन दी गई है, कितनी, एक। इस एक इक्वेशन में आपको दो संख्याओं की बात की गई है, ए और बी, ठीक। तो अगर आप इसमें, आपकी चॉइस है, या तो आप ए को जीरो मान लीजिए या आप बी को जीरो मान लो। फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना, अगर आपने बी जीरो ले लिया, तो बी जब जीरो लोगे ऊपर इक्वेशन से, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 6x, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा साफ तरीके से आप देख पाओ, ठीक है। ए की वैल्यू 6x आ गई, बी आपने रख दिया 0, तो b यहां पर आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया। जब 0 रखा तो x अपॉन a की जगह 6x, 6x माइनस 3x प्लस x अपॉन माइनस 3x, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से नीचे क्या बचेगा, 3x, देखो यहां से x से x कटेगा, तो माइनस के 1/3, इधर क्या बचेगा आपका, प्लस के 1/3। सॉल्यूशन होगा तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, आसान लगा, कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बस आपको ध्यान से समझ करके काम लेना है, नोट्स अपने प्रॉपर वे में कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 152 जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा चुके हैं आपको, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको करना। इसके बाद जो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है 156, ठीक है।
और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझाऊंगा क्यों। हालांकि मैं इसको आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, तो ये रिपीटेड हो गया, तो इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि आपको मैं फिर से उतना ही टाइम लगाऊंगा फाइल लग जाते हैं, जो चीज़ मैं पहले बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको आप बेसिक लेक्चर से कंप्लीट करना, ठीक है। आगे अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर, ठीक है। 158, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ज़्यादा नई बात नहीं है, हालांकि कर चुके होंगे बहुत सारे बच्चे। एक्स वाई की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा गया है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड गिवन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ, यही गिवन है ना, एक्स माइनस फाइव बराबर 5। दो बार इसलिए देखना पड़ता है कि अक्सर मुझसे बोर्ड पे गलत लिखने के चांस बहुत होते हैं, तो मुझे डर रहता है कि गलत ना लिखा जाए। देखो, ये गिवन कंडीशन जो है, इसका होल स्क्वायर कर दो। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy और बराबर 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर कितना रखेंगे, 45, क्योंकि गिवन है 45 और माइनस 2xy बराबर कितना, 25। 45 इधर से घटेगा, कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 20 बचेगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10, ठीक। ये आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं दोनों। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो तो सारे लगभग हो ही गए हैं, आज हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक। और उसके बाद टफ क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो होगा, उसको आप अलग से नोट्स में लिखना, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर 160। देखिए 160 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस प्रकार है दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13 एंड a प्लस बी निकालना है, ठीक है। a प्लस बी हमें यहां से बताना है कितना होगा, तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले a प्लस बी निकालने के लिए a अलग चाहिए और b अलग चाहिए, a अलग चाहिए b अलग चाहिए, कैसे होगा। देखो, सबसे पहले a स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस के 6a इधर आके जाएगा, माइनस जाएगा 6a क्योंकि इधर प्लस था, है ना। अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4b और ये 13 इधर आके जाएगा प्लस, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। ये अलग है। अब देखो a स्क्वायर, इसको जो 6a है इसको लिखो 2 गुणा a गुणा बी। एक बात आप ध्यान दो, जब कभी हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम ये चीजें पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के साथ दो टर्म है a, दो टर्म है क्या, a और a b, जो 2 के साथ दोनों टर्म है इनका यहाँ पर होल स्क्वायर देखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ पर a का स्क्वायर तो है, 3 का नहीं है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो इस 13 से 9 अलग कर लिया, इतना समझ गया क्या, इस 13 से 9 अलग कर लिया, तो 13 से 9 अलग करके कितना बचेगा, अब 4 बचेगा, तो उसको अभी हम लिखेंगे, 4 को कैसे एडजस्ट करना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 4b को 2b इंटू 2, बी का स्क्वायर है ना, तो हमें इस 2 का भी क्या चाहिए, स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो वो जो 4 आपका बचा था 13 में से वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो आगे, इधर ये फॉर्मूला आपको क्या बनेगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको मैंने हमेशा से लास्ट 3-4 वीडियो से मैं आपको एक ही पॉइंट बार बार जोर दे रहा हूं कि कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 लिखा है, दैट मींस आपका ए भी 0 होगा पक्का और आपका बी भी 0 होगा, ये दोनों ही 0 होंगे तभी जाके 0 आ सकता है। तो दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट का होल स्क्वायर है,
तो यहाँ पर ये ब्रैकेट कब जीरो होगा, जब ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये ब्रैकेट कब जीरो हो सकता है जब बी की वैल्यू क्या आएगी 2। भाई 2-2 तो ही जीरो होगा, 3-3 तो ही जीरो होगा। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, दैट मीन्स 5 इज योर आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए साथियों, आज ही नहीं बल्कि काफी लंबे समय से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप मुझे यहाँ पर देखते भी होंगे कैसे पसीने में लथपथ होकर कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। कभी कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। ठीक है, अभी भी टी शर्ट के अंदर ना बहुत ऐसे पसीना बह रहा है जैसे कि अंदर कोई कुछ चल रहा हो, है ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इस गर्मी का जो एहसास है हमारे लिए वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें खुशी मिलेगी अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे हमें सपोर्ट करते भी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कमेंट भी करते हैं और भी अच्छा लगता है। आप शेयर करें, वीडियो को ऑनलाइन देखें। ठीक है, इतनी सी विनती आपसे, बाकी आपसे हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते और ना ही हम आगे आपसे कोई डिमांड करेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, इधर अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर होगा 162। देखिए 162 वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना, आराम से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखो कहा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी बराबर दिया गया है हमें 80। ठीक है, बराबर दिया गया है 80। सेकेंड वैल्यू क्या दी गई है, a इंटू बी बराबर 16। क्या निकालना है, 3a माइनस 19b, 19b। ठीक है, 19b। चलो देखो, ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो यहां पर सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको इधर देखना, a इंटू बी बराबर कितना, 16। तो अगर हम 8×2 रखें, 8×2 तो 8 और 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 8×16। तो इसका मतलब हमने a की वैल्यू को ये मान लिया कि a 8 है और b कितना है 2। तो a प्लस बी कितना जाएगा, 10। a 8, b 2, 8 और 2 10। पहली कंडीशन से सेटिस्फाई करो, इस कंडीशन से जब आप a प्लस बी की जगह कितना रखोगे, 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 माइनस 2×10 कितना जाएगा, 20। क्या आपका ये 80 बचेगा, बराबर में तो 80 दिया हुआ, बिल्कुल सही बात है, 80 बच रहा है। इसका मतलब a और b के जो मान हमने माने यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, कुछ और कंडीशन तो दी नहीं, और कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई, तो आप b को चाहे तो 8 मान ले, a को 10 मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर। अच्छा, कोई एक बार चेक करें कोई कंडीशन, हाँ बिल्कुल कोई भी कंडीशन यहाँ पर आपको नहीं दी गई। तो देखो ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो यहाँ पर 3×8। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो ये कितना हो गया, 24-38। तो आंसर आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, -14। ठीक, ये आंसर आपके पास आएगा -14। समझ गए, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऑप्शन नंबर मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, एक बार बेसिक से आप इसको ट्राई करना। ठीक है, बेसिक से आप ट्राई करना, होना चाहिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जी हाँ मिल गया, 164 क्वेश्चन नंबर 164। देखिए 164 को ध्यान से समझना, x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया गया है 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 4y बराबर 3। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
सबसे पहले वन मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तरीके तो और भी हो सकते हैं लेकिन इससे समझ लो अच्छा रहेगा। जो मल्टीप्लाई की 2x प्लस वाई बराबर कितना बन गया 3x प्लस 12y। तीन इधर आप घटेगा 2x में से, 3x घटेगा माइनस x बचेगा। ठीक है, इधर कितना बचेगा 11y, x बटे y ये क्या हो गया माइनस 11 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसे। x की वैल्यू माइनस 11 तो ऊपर माइनस 11 रखो, y की वैल्यू रख दो 1। ठीक, x की वैल्यू माइनस 11, y की वैल्यू 1। एक रख दोगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, ऊपर बचेगा माइनस 10, नीचे बचेगा माइनस के 9। आंसर कितना आएगा 10/9। मैच करें आंसर तो यहां पर 10/9 आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन ये तरीका बेस्ट रहेगा, इसी से आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिंपली आप यहां पर ये लिख लो 2x प्लस y बराबर 3, x प्लस y बराबर 4, सॉरी 8। इस ऊपर की वैल्यू ये मान ली 3 और इस नीचे की वैल्यू ये मान ली 1। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, पहली और ये दूसरी। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें इक्वेशन को, तो यहां पर हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8y बराबर कितना हो गया 2। पहली इक्वेशन क्या थी 2x प्लस y बराबर कितना था 3, घटा देंगे, घटाने से क्या होगा 2x से 2x कटेगा, इधर कितना बचेगा 7y और इधर कितना बचेगा माइनस के 1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से माइनस 1/7। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, x की निकाल लेना, फिर वहां पर एक्स वाई की वैल्यू रख के सॉल्व करना, लेकिन इससे ये बड़ा पड़ेगा तो इससे करने में कोई लाभ आपको नहीं। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको यही दिखाना था कि इस तरीके से आपका टाइम ज्यादा जाएगा। टाइम को तो हमें हमेशा ही बचाना है। ठीक है, आज थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बीच में खांसियां उठ रही है, तो उसके लिए डिस्टर्ब हो रहे हो आप, तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसे। ठीक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन 165, देखिए 165 में क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन है 165 में x बराबर 4 प्लस रूट 15, तो आपसे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। केवल x की वैल्यू हमारे पास है क्या, 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास है, नहीं। तो 1 अपॉन x निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना। एक बात समझो ध्यान से, अगर x की वैल्यू वैसे लिखी हुई है 2 माइनस रूट 3, तो इससे 1 अपॉन x कैसे निकाला जाता है ये समझो। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं, x को उल्टा कर दिया भाई, क्योंकि x के नीचे क्या है 1 है ना, तो x को जब हम उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन x लिखा जाएगा, साथ में इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो 1 अपॉन ये लिखा जाएगा। हम इसमें कंजुगेट अप्लाई करेंगे, आप जानते हो 2 प्लस रूट 3 अपॉन ये करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर क्या बन गया आपका 2 प्लस रूट 3 दो दुनी 4 माइनस कितना 3, तो आपके पास फाइनली यही आएगा 2 प्लस रूट 3। तो ये जो आपका आंसर यहां पर इस तरीके से हमने निकाला डायरेक्टली, डायरेक्ट जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो इधर क्या ऑटोमेटिक आपका बदल करके माइनस ही आना था। एक तो ये पॉइंट आप खास करके दिमाग में बैठा के चलेंगे, और ऐसा केवल आपको याद रखना, डायरेक्ट ही आएगा। देखिए तो हमारे पास ये निकालो जरा, 4 प्लस रूट 15 एक्स की वैल्यू रखी, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी रखी 4 माइनस रूट 15, प्लस और माइनस कैंसिल, 4 और 4 8, तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालने के लिए चुपचाप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, और प्लस में निकालना है, प्लस है क्योंकि, तो यहां पर क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ गया आपके पास 62, और यही आपका एकदम आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं,
किरण 95+ से अपना हम मैथ्स कवर कर रहे हैं, और इससे कवर करने का मतलब ये है कि चाहे आपकी 9100+ हो, चाहे 9200+ हो, चाहे 8700+ हो, किरण की कोई भी बुक हो जो 9500+ से नीचे है, वो सारी 9500+ में कवर है, कवर कर देगी ये बुक उन सभी बुक को। तो आपको इसी बुक से करना है, अगर आपके पास और भी बुक है तो सब कुछ आपको कवर होगा, चिंता मत करो। ठीक है, आगे चल रहे हम क्वेश्चन नंबर 166 को भाई आप लोग खुद करना, ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको काफी दफा करा चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 167 कहा गया है n प्लस n अपॉन 2, साइड में आपको दिखाई देते होंगे क्वेश्चन, बटे 4 n बटे 8। ठीक है, और बराबर कितना है आपके पास 45। फाइंड वैल्यू ऑफ n, n निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2, 4, 8, तो क्यों ना सबको 8 ही बना ले जाए, इधर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, इधर 4 से, ऊपर भी 4 से, यहाँ केवल 8 से, ऊपर भी 8 से, 8, 4 × 8, 4 × 8, 8, तो 8 आ गया आपके पास एलसीएम, ऊपर 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15, ऊपर बना 15 एन, इधर कितना है आपके पास 45, 15 × 3, 15 से कितनी बार कटा 3, 3 अटे कितना 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24 आ गई। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 167 का 2 आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 168 पर। 168 वाला क्वेश्चन अच्छा है और इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है लेकिन ध्यान समझना, इतना भी क्रिटिकल नहीं है। 168 में आपसे कहा गया है जो वैल्यूज हैं वो लिखते हैं, ए बी बी सी सी ए, ये वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको 8। ठीक है, और वैल्यू क्या दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया इधर 20। ठीक है, ये दे दिया गया। अब आपसे वैल्यू क्या निकलवाई गई है, वैल्यू आपसे निकलवाई गई है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तरीके समझेंगे। देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी को एज इट इज लिख लो, इसका जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, ध्यान दो ए स्क्वायर यहां से बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2 होगी, समझो ध्यान से, इधर से क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इधर से क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, एक ए स्क्वायर यहां से बना, एक ए स्क्वायर यहां से बना, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहां से बना, एक बी स्क्वायर यहां से बना, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2b स्क्वायर, एक सी स्क्वायर यहां से, एक सी स्क्वायर यहां से, डायरेक्ट लिख रहा हूं सी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में ही आएंगे तीनों, तो प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये भी बनेंगे, इधर से 2 सभी जगह, 2 हमने सारे से ही कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 हमने क्या किया यहां से कॉमन ले लिया इन तीनों से, ठीक, फिर यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया सभी, जब माइनस 2 कॉमन लेंगे प्लस बनेगा, ठीक, और ये भी क्या बनेगा प्लस। तो इतना आप समझे क्या, इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर इतना आप समझ गए हैं या नहीं भी समझे तो कॉपी में इसको रफ करके देखना, क्लियर हो जाएगा भाई, इतना काम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास ये वैल्यू है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रही ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये रही, लेकिन 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 क्या आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, नहीं, आंसर होगा नहीं, तो आप यहीं पे रुक जाओगे, अब सोचोगे यार क्या करें। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या ऐसा किया जाए जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल जाए, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, शुरुआती वीडियो में ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे यूज होने हैं वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 8, 20,
इसकी वैल्यू क्या है 20, दो गुना इसकी वैल्यू कितनी है 8, कितना आएगा 36 आएगा ना, स्क्वायर है ना इधर, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 36 का कितना बार आएगा 6, ये आ गया आपके पास 36 का 6 बार। ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक है, अब यहां पर सारी वैल्यूज रख दो, ये सारी वैल्यू यहां पर रख दो, ध्यान देना इधर, जब आप वैल्यू रखेंगे 1/2 आया, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास 6 आ गई, ब्रैकेट 2, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास 20, ठीक है, माइनस 2, इसकी वैल्यू है 8। अब आप इधर ध्यान दो, 2 × 6 = 20 × 40 × 8 = 16, अंदर कितना बचा 24 बचेगा, 24 से कितना आ गया आपके पास 72, तो ये आपका यहां पर आंसर कितना आएगा 72 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां पर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया 168। ठीक, अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग पहुंच जाओ पीडीएफ के, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दी गई होगी, तो अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिली तो वीडियो में, हर वीडियो में हम अपनी सभी वीडियोस का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो नीचे जाइए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से किसी भी चैप्टर की जो फिलहाल चल रहा है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका होगा यहां पर, सबसे शुरू में पहुंच जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन पीडीएफ का टाइप वन में क्वेश्चन है आपका, गिवन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 7, ठीक है, बराबर दिया हुआ है एक्स वाई बटे 4, ये गिवन है और आपसे पूछा गया है एक्स वाई का मान कितना होगा। सबसे पहले यहां पर आप एक बात को देखेंगे, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, कभी भी इस तरह से बराबर दिया हुआ हो तो कहने का मतलब क्या है, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, ठीक, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, कहने का मतलब अगर ये 5 आया तो ये भी 5 आएगा सॉल्व करके, ये भी क्या आएगा 5 आएगा, अगर ये 10 आया ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, बीच में बराबर का साइन है, कहने का मतलब एक ही वैल्यू सभी के बराबर होगी, तो वो एक वैल्यू क्या है, हमने वो मान लिया कि वो एक वैल्यू है आपकी के, मान लो कॉन्स्टेंट, के मतलब कॉन्स्टेंट, वैसे सी से बनती है स्पेलिंग लेकिन आप के मान लो, ठीक है, इसके बराबर के आएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपके पास के आ गया, ठीक, एक्स प्लस वाई भाई इसके बराबर ही ले लिया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया के, साथ के मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 7k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां से हम डायरेक्ट इन्हें क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, जब हम इन्हें डायरेक्ट यहां पर ऐड करेंगे, ध्यान से देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ऐड करोगे 7 और ये 8k, एक्स बराबर कितना जाएगा आपके पास 4k, क्योंकि 2 से 4 बार कटेगा, 2 चौक कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है भाई आपके पास 8 आ गया ना। अब देखो यहां पर इसी की हेल्प से y निकाल सकते हैं, y कैसे निकालेंगे, ये देखो x की वैल्यू यहां पर रखी 4k इधर घटे कितना आएगा 3k, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 3k। अब आपसे पूछा गया xy की वैल्यू, सिंपल क्या पूछा गया xy, ठीक है, अभी इसके बराबर भी लो आप, xy बराबर कितना है आपके पास, यहां पर देख सकते हो दिखाई देगा मेरे ख्याल से, एक्स वाई बटे 4 बराबर है आपके पास के, ठीक, तो यहां पर आपके एक्स वाई बराबर कितना आ गया 4k, एक्स की वैल्यू 4k, वाई की वैल्यू 3k, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4k, यहां पर एक्स की वैल्यू रखी 4k, वाई की वैल्यू रखी 3k, तो बराबर कितना आ गया 4k, 4k से 4k कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 3k बराबर आ गया 1, तो k की वैल्यू यहां पर आपके पास आ गई 1/3, k कितना है आपके पास 1/3। अब देखो अब निकलेगा आपका xy,
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी थी 4k, वाई की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3k, चार ठीक, के की वैल्यू 1/3, तीन के की वैल्यू 1/3, तीन से तीन कटेगा 4/3, तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितना आएगा यहां पर 4/3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप करें, बहुत सिंपल वे है, मैंने आपको बहुत कोशिश की है समझाने की और आपके कई हद तक क्वेश्चन, कई हद तक क्या पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो रिपीट करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है ए स्क्वायर बराबर 2, ए प्लस 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आपको ऑप्शंस जो है थोड़े से क्रिटिकल दिए हुए हैं। अब क्रिटिकल कैसे, मतलब आपको यहां तो थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में भी आपको बहुत ध्यान से काम लेना होगा। देखो कैसे, सबसे सिंपल, अगर ए स्क्वायर बराबर 2 है तो इसका मतलब ए बराबर √2, भाई स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा ना, ए की वैल्यू आप यहां पर रख दो √2 + 1। अब आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते अगर कि भाई √2, या आपको ऑप्शन ऐसे देता हो √2 - 1, √2 + 1, और भी तीसरा कोई ऑप्शन दे देता और चौथा, तो आपके लिए आंसर बिल्कुल आसान था। लेकिन इसने चलाकी से काम किया, यहां पर ऐसे आपको ऑप्शन दिए ही नहीं, इसने ऑप्शन भी आपको ए की फॉर्म में ही दे दिए, ठीक। तो अब आप एक बात ध्यान रखो, उसने कहा ए प्लस 1 किसके बराबर होगा, हमारा है 2 √2 + 1, तो कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए की वैल्यू, कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए की वैल्यू √2 रखने पर सॉल्व करने के बाद √2 + 1 ही आपका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, कभी भी अगर आपको ऑप्शन से चेक करना हो तो सबसे लास्ट का ऑप्शन आप उठाएंगे, सबसे लास्ट का ऑप्शन ही आप हमेशा यूज करेंगे। क्यों, रीजन, रीजन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 70-80% स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा, चौथा, पहले से चौथे पर जाने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप चौथे से चलेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंचने के चांस आपके ज्यादा होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, थोड़ा सा इसको याद रख के चलो, ठीक। देखिए तो हम डायरेक्ट चौथा ऑप्शन उठाते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है, ए माइनस 1 अपॉन 3 - 2a। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि चौथा ही आंसर हो जाए, हो सकता है तीसरा भी आंसर हो जाए, तो अगर तीसरा भी आंसर होगा तो तब भी आप जल्दी पहुंच जाओगे तीसरे ऑप्शन पर, ठीक है। बाकी तो आपका लक डिपेंड करता है कि आंसर आपका पहला भी हो सकता है, लेकिन आपको चौथे से ही ज्यादातर कोशिश करनी है। ए की वैल्यू √2 - 1, 3 - 2, भाई ए की वैल्यू √2 रख दी। अब नीचे आपको पता है हम कभी भी रूट वाली संख्या को नीचे नहीं रखते, ये आ गया आपका, जब आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे क्या आएगा 9 - 8, ठीक है। ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो √2 की √3 में होगी 3 √2, ठीक, √2 की इसमें होगी 4 आएगा, 2 √2 × √2, 2 और 2 दूनी कितना आ गया 4, तो प्लस के 4, 3 में करो माइनस के 3, माइनस की माइनस 1 किसने की, माइनस के 2 √2, ठीक है। नीचे तो आपका 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, √3 √2 में से 2 √2 का कितना बचेगा √2, 4 में से 3 में कितना बचेगा +1, और नीचे आपका 1 है। तो देखो इसी ऑप्शन को सॉल्व करके √2 + 1 आ रहा है, और a प्लस 1 की वैल्यू भी √2 + 1 है, इसका मतलब a प्लस 1 जो है बराबर होगा a माइनस 1 अपॉन 3 - 2a, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग,
देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या होगा यहां पर? हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने अभी से आपको पहले वीडियो में कराए हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ये बात आपको देखने में पता लगेगी, बिल्कुल अलग है। तो मैंने आपके काम को बहुत आसान बना दिया है अपने इस तरीके से। तो उसने कहा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि x y स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोमतः परिवर्तित होता हो, तो देखना x बदल रहा है किसके अकॉर्डिंग, y स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोमतः का मतलब उल्टा रिलेशन है इनके बीच, क्या क्या है इनके बीच उल्टा रिलेशन। तो जो x की वैल्यू है वो y स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोमतः बदल रही है, मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है उल्टा, कैसा उल्टा, ठीक है। अब यहां पर आप ये क्या साइन है प्रोपोर्शनल का, कैसा प्रोपोर्शनल, कभी भी आप फिजिक्स में पढ़ते थे इस तरीके से कि f इज प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है, f इज प्रोपोर्शनल टू a और f इज प्रोपोर्शनल टू m, इस तरह से पढ़ते थे जब आप एक इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे तो f बराबर k कॉन्स्टेंट लेते थे, इस तरह से लिखते थे k a। तो यहां पर भी आप x बराबर k अपॉन y स्क्वायर माइनस वन इस तरीके से लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो उसने क्या कहा, और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 आता है, y बराबर अगर 10 ले हम तो x का मान कितना आता है 24, उसका मतलब x का, उसने कहा और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 आता है, उसका मतलब x की वैल्यू कितनी आती है 24, ठीक है। तो x की वैल्यू 24 आ रही है कब, जब y बराबर हम कितना ले रहे हैं यहां पर 10, जब 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 माइनस 1, तो यहां से k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये 24 हो गया, 100 में से 1 गया 99, तो यह आपके पास 24 गुना 99, तो ये वैल्यू आपके काम आएगी, इसको ध्यान रखना, ये आ गई। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला, तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान क्या होगा, अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर y बराबर हम 5 ले लें तो x का मान बताओ क्या होगा, ये ध्यान रखना। तो समझना अब यहां पर ध्यान से, y बराबर 5 रखो, x बराबर क्या था k अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू क्या होगी जब y बराबर 5, k की वैल्यू कितना है 24 गुना 99, 24 गुना 99, y की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर में से घटाओ कितना बचेगा 24, 24 से 24 कट गया, तो यहां पर 5 जब आप x का मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 99, और यही यहां पर आपका एकदम सही जवाब होगा, 99 ही यहां पर आपको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को, रिपीट करके आप देख सकते हैं अगर किसी बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आया है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए स्पीड मैंने बिल्कुल आपकी स्लो रखी है, क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन नए हैं, इस वजह से पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा थोड़ा सा हम फास्ट चले थे, वो इसी वजह से, क्योंकि आपको 90% तो पहले ही क्लियर था, मेरा काम आपको 10% क्लियर कराना था। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 7 नंबर देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है a = 23, b = -29, फाइंड आउट क्या करना है 25a² - 40ab + 16b² - 16b², ये वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्या फॉर्मूला बना हुआ है 5a² 4b² 40 को तोड़ो, 2 तो आएगा ही आएगा, 2 के साथ 5a, ठीक, 5 × 10 चौक 40b, यही है ना, 2 के साथ 5a, 5a² 2 के साथ 4b, 4a² एडजस्ट हो रही है हर चीज, तो फॉर्मूला फाइनली किसका बना 5a + 4b² मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था फॉर्मूला, लेकिन मुझे लगा जरूरी है आपको थोड़ी सी बात मैं बता के चलूं।
पांच गुना तेईस, क्योंकि ए की वैल्यू तेईस रख देंगे, चार माइनस उनतीस है बी की वैल्यू, तेईस पंजे 115, ठीक है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 116 आएगा, चार गुना उनतीस पावर टू, माइनस वन का स्क्वायर बचेगा कितना आएगा वन, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना, हाँ या ना, हाँ होगा, कमेंट जरूर करना कि आपका आज का एक्सपीरियंस इस वीडियो के बाद कैसा रहा है। और अलजेब्रा जैसा मैंने आपको पहले कराया है, तो पहले मैंने बहुत अच्छा कराया, ऐसा नहीं है कि बेकार कराया, लेकिन अगली बार मैं आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हूँ, पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत से काम कर रही है, और इस बार हमने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग किया है ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाए, ठीक है। तो आप देखो एक बार ध्यान से, अगर जो वीडियो पहले आप मेरे देख चुके अलजेब्रा के, फिर से अगर आप अलजेब्रा पर हो तो देखना, विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छा समझ में आपको यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, x की वैल्यू है b प्लस सी माइनस 2a, ठीक है, y की वैल्यू है c प्लस a माइनस 2b, एंड z की वैल्यू होगी a प्लस b माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c, देन हमें निकालना क्या है, x प्लस y निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक। देखिए, हाँ देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है, इस पर ध्यान दो, ये निकालना है, तो आप ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम यहां पर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने फॉर्मूला याद किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी में आपका वो खुलता था, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस प्लस में हमने खोल दिया, तो ये इस तरीके से खुलेगा, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस। अब फाइनली हम कहां रिजल्ट पर पहुंचे कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है ये, तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, देखना a प्लस है, a प्लस 2a हो गया, b प्लस 2b हो गया, c प्लस 2c हो गया, चलिए इतना तो हम क्लियर कर दिया। आगे माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c क्या होगा, सारे कटेंगे, सारे कटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, जीरो, ये वैल्यू आपके पास है जीरो, ब्रैकेट में आप कुछ भी लिख देना जीरो के साथ, तो उसका एक ही हाल होगा, क्या होगा, जीरो बनेगा, तो आपका आंसर यहां पर आ गया है जीरो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका यहां पर मैं ले रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन है 12वां, ठीक है, 12वां क्वेश्चन, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू दी गई है x माइनस 1 अपॉन x की, और ये कितनी है 1, ठीक, आपने निकालना है 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ध्यान से समझना, सिंपल सा तरीका है, जो एक जैसे लगे उनको पहले सॉल्व करो, ये एक जैसे लग रहे हैं ना, इनको सॉल्व करो सबसे पहले, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ऊपर आएगा x प्लस 1, बीच में माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी ये आएगा x माइनस 1, नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे
एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन चुका होगा। इधर देखो इनको एक साथ सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई। नीचे नीचे क्या है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो आपका ये बनेगा एक्स की पावर फोर माइनस वन। ठीक है, ये बन गया। यहां पर जब आप ब्रैकेट खोलोगे देखो यही के यही काम निपटा रहा हूं मैं, एक लाइन बढ़ेगी फालतू में। ये तो माइनस हो गई होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये तो माइनस हो गई होगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो अब हमारा कुछ कटने का काम होगा, ये कटेगा। ठीक है, इधर से हमारा क्या होगा, एक्स कटेगा, जो बचा उसे ध्यान से लिखेंगे। वन और वन कितना हो गया हमारे पास टू, एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस वन। ठीक है, इधर देखो हमारे पास प्लस माइनस टू हो गया, तो माइनस टू लिखेंगे। यहां पर क्या हो गया, एक्स की पावर फोर माइनस, ये हो गया ना। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर माइनस वन है और ये एक्स की पावर फोर माइनस वन है, एक बार अच्छे से चेक कर लो क्वेश्चन में थोड़ा गलती तो नहीं है। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पर क्या है माइनस प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये आपका बनेगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वन, और ये ठीक है, सही है मेरे ख्याल से। तो देखो टू हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, या एक काम और करो, यहां पर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एक्स की पावर फोर माइनस वन। सेम हम एलसीएम ले लेंगे यहां से, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एक्स की पावर फोर माइनस वन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर से टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या टू कॉमन ना लें लेकिन टू की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, ये प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए इतना पहुंच गए, हमारा बचा ऊपर टू एक्स स्क्वायर, नीचे बचा एक्स की पावर फोर माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरा गलत कदम क्या होगा, मैं ऊपर एक्स स्क्वायर से भाग कर रहा हूं और नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर से भाग कर रहा हूं, तो भाग करने के बाद की कहानी क्या होगी, ऊपर बनेगा आपका टू, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, शायद आपको जगह ना दिखाई दे तो आप यहां पर देखो साइड में, टू अपॉन एक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। हमारे पास इनमें से एक ब्रैकेट की वैल्यू गिवन है, कौन सा ब्रैकेट, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू गिवन है। सवाल ये उठता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकाले, भाई पसीना इतना है कि पसीने की जो बूंदे है ना वो टपक टपक के गिर रही है। ठीक, बहुत ज्यादा विकट स्थिति है, मेरे हाथ पैर सब कुछ पसीने में बिल्कुल लथपथ हैं, बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग है, बहुत खतरनाक पसीना आ रहा है। कोई बात नहीं, खैर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब ये वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकाले, थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा, जगह का अभाव है, तो इसको आप पहले ही नोट कर लेना, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। देखिए कैसे निकालेंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिख रहा हूं मैं यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस के चार, ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते थे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी करके इस तरीके से, तो सेम वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं यहां पर कर रहा हूं। तो देखो जरा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन है ना, वन रखेंगे, वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस चार, कितना आएगा आगे पांच आएगा, इधर स्क्वायर है ना तो इधर क्या आएगा रूट के अंदर पांच, लेकिन रूट से पहले प्लस माइनस आप लेकर के चलेंगे। तो देखो यहां पर ध्यान से, ठीक यहां पर देखो इसकी वैल्यू टू, इसकी वैल्यू वन, नीचे प्लस माइनस के रूट पांच, तो प्लस माइनस ऊपर लिख लो और नीचे रूट पांच, यही आपको क्या होगा यहां पर आंसर होगा प्लस माइनस रूट पांच वाला। तो
तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 2 अपॉन प्लस माइनस रूट 5 ऊपर लिख लो नीचे लिख लो बात एक ही है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके और हार्ड क्वेश्चन के अब वीडियो में दूंगा टाइप 1 में जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी ही हम टाइप 1 के 168 क्वेश्चन को खत्म कर चुके होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर करें। हाँ, रिक्वेस्ट है आप जोड़ करके आप जरूर इसे ऑनलाइन ही देखें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन देखें, लाइक कर सकते हैं, प्यारा सा कोई कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।